अपने सहाफी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुतालबात, जो जायज़ मुतालबात, जो तमाम ताजरों की परेशानी का बायस बने हुए हैं, वो हमारी आवाज़ बहरे हुक्मरानों और हमारे ताजरों तक पहुँचाने के लिए यहाँ सब आए। और मैं अपने तमाम लाहौर शहर से आए तमाम ताजरों का, तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब हमारे साथ अपने हक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा कि तब्दीली सरकार ने जिस तरह कहा कि तब्दीली आ रही है, पिछले साल भी कोरोना के बाद में ऐसी तब्दीली आई कि हर ताजर परेशान रहा और इस साल भी उन्होंने उसी तब्दीली की अपनी रीत को कायम रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम का गुस्सा ताजरों में निकाल दिया। हालांकि अब पीडीएम ने भी अपना जो मार्च मौखर कर दिया है, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जो अदारे इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ताजरों को भी आजाद मुल्क में आजादी के साथ कारोबार करने का मौका दिया जाए, ना कि उनके सर पे वो तलवार लटका दी जाए। कभी 6 बजे के वक्त के रूप में, कभी हफ्ते की छुट्टी के रूप में तमाम ताजर गैर सियासी हैं। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम लोग अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में रहते हैं और इसी दौर में सुबह जब आते हैं और शाम को चले जाते हैं। हमारा बड़ा जायज मुतालबा है कि जनाब ये 6 से 8 बजे तक टाइम कर दिया जाए और जो हफ्ते की छुट्टी है उसको जो खत्म किया जाए। अगर हुकूमत अपनी इसी हट गर्मियों में रही, इसी जिद में रही, तो ताजर भी मजबूर हो जाएंगे। कहीं ये ना हो किसी रोज ताजर 6 बजे दुकानें बंद करके अपनी मार्केटों के बाहर उसी ना धंधे में बैठ जाएंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये मुतालबा करूंगा कि जैसा कि आज बड़ा बाबरकत दिन सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन है, इसी की निस्बत से आज ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये नोटिफिकेशन जारी करें कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो खत्म कर दी।